सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एम टेक पॉइंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे रियलमी XT मोबाइल और पोको F1 मोबाइल के बीच में। ये तीनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में आपको बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर तीनों मोबाइल के बीच कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना और भाई का चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाना। सो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की बॉडी टाइप के। तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल और रियलमी XT मोबाइल में आपको ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा, जो कि पोको F1 में आपको पॉलीकार्बोनेट का बॉडी दिया है। तो गाइस, आप बात करते हैं तीनों मोबाइल की थिकनेस एंड वेट की। तो यहाँ पर सबसे पतला मोबाइल जो है रियलमी XT मोबाइल और सबसे मोटा फ़ोन जो है रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल और पोको F1 मोबाइल। और सबसे हल्का फ़ोन आपको देखने को मिलेगा पोको F1 मोबाइल और सबसे भारी फ़ोन जो है रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल। तो गाइस, बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की डिस्प्ले प्रोटेक्शन के। तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल और रियलमी XT मोबाइल और पोको F1 मोबाइल, ये तीनों मोबाइल में जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के डिस्प्ले टाइप एंड साइज की। तो रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में 6.3 इंच FHD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले देखने को मिलेगा और रियलमी XT मोबाइल में आपको 6.4 इंच FHD प्लस सुपर एमोलेड वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि पोको F1 मोबाइल में 6.1 इंच FHD प्लस IPS LCD नोज डिस्प्ले दिया है। यहाँ पर डिस्प्ले साइज जो है रियलमी XT मोबाइल में थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर रियलमी XT मोबाइल का डिस्प्ले क्वालिटी आपको थोड़ा बेहतर दिखने को मिलेगा कंपेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल और पोको F1 मोबाइल। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के प्रोसेसर के। तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में मीडिया टेक खिलियो G90T का चिपसेट दिया है, जो कि 12 नैनोमीटर में बेस है और ये चिपसेट ऑक्टा कोर 2.4 GHz में क्लॉक्ड है। बात करते हैं रियलमी XT मोबाइल की। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट दिया है, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टा कोर 2.3 GHz में क्लॉक्ड है। बात करते हैं पोको F1 मोबाइल की। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस है और ये चिपसेट ऑक्टा कोर 2.4 GHz में क्लॉक्ड है। गाइस, यहाँ पर पोको F1 का प्रोसेसर आपको थोड़ा पावरफुल दिखने को मिलेगा कम्पेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल और रियलमी XT मोबाइल। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU की। तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में एंड्रॉयड पाई 9 के साथ माली G76 MC4 का GPU दिया है और रियलमी XT मोबाइल में एंड्रॉयड पाई 9 के साथ एड्रीनो 616 का GPU दिया है और पोको F1 मोबाइल में एंड्रॉयड पाई 9 के साथ एड्रीनो 630 का GPU दिया है। तीनों मोबाइल का गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बढ़ते बढ़ते देखने को मिल जाएगा। गेमिंग ग्राफिक के बारे में बात करो तो यहाँ पर पोको F1 का गेमिंग ग्राफिक आपको बढ़ते बढ़ते देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की रियर कैमरा के। तो रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में रियर में आपको 4th कैमरा दिया है, जो कि 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP एंड रियलमी XT मोबाइल में भी आपको 4th कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP, जो कि पोको F1 मोबाइल में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा 13 प्लस 5 MP। तो गाइस, ये तीनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल का कैमरा बेहतर लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के फ्रंट कैमरा के। तो यहाँ पर रियलमी XT मोबाइल में आपको 60 MP का कैमरा दिया है और रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल और पोको F1 मोबाइल में जो आपको 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तीनों मोबाइल का फ्रंट कैमरा आपको बहुत ही बेहतर दिया है। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की बैटरी की। तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा 18W फास्ट चार्जर के साथ और रियलमी XT मोबाइल और पोको F1 मोबाइल में जो है आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा 20W फास्ट चार्जर के साथ। यहाँ पर बैटरी थोड़ा पावरफुल देखने को मिलेगा रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की स्टोरेज और रैम की। तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में जो आपको 6GB एंड 8GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक और रियलमी XT मोबाइल में आपको 6GB एंड 8GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक और पोको F1 मोबाइल में जब आपको 6GB रैम के साथ 128GB रैम के साथ देखने को मिलेगा 64GB स्टोरेज 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम के साथ आपको देखने को मिलेगा 256GB स्टोरेज के साथ, जो आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक। गाइस, सिम कार्ड के बारे में बात करो तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में आपको हाइब्रिड डुअल सिम का सपोर्ट दिया है और रियलमी XT मोबाइल में आपको डुअल सिम 4G वोल्टी में देखने को मिलेगा, जो कि पोको F1 मोबाइल में आपको हाइब्रिड डुअल सिम का सपोर्ट दिया है। गाइस, आप बात कर लेते तीनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर के। तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल में रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और रियलमी XT मोबाइल में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जो कि पोको F1 मोबाइल में रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तीनों मोबाइल का आपको फेस अनलॉक भी सपोर्ट दिया है। ये तीनों मोबाइल का फीचर्स आपको
बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाएगा अपने अपने मार्केट प्राइस के हिसाब से। गाइस आप बात करें तो तीनों मॉल की कलर वेरियंट की, तो यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो मॉल में आपको चार कलर में देखने को मिलेगा, जो कि ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू एंड व्हाइट कलर, एंड रियलमी एक्स टी मॉल जो आपको तीन कलर में देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। और पोको F1 मॉल में आपको तीन कलर में देखने को मिलेगा, जो कि ब्लैक, ब्लू एंड रेड कलर। यहाँ पर पोको F1 की जगह आपको जो है रेड कलर बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। तो गाइस आप बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल जो है चाइना मार्केट के हिसाब से आपको अंडर 15,000 में देखने को मिलेगा, और रियलमी एक्स टी मोबाइल आपको अंडर 16,000 में देखने को मिलेगा, जो कि पोको F1 मोबाइल जो है आपको अंडर 18,000 में देखने को मिलेगा। तो गाइस ये तीन मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल बेहतर लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।